हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग को जो PSN निवेशक हैं उन सभी के लिए एक खुशखबरी दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और विधिवत समझने की कोशिश करें कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना क्या चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजबल होगा, क्योंकि PSN निवेशक जो हैं उन्होंने अपना पैसा बहुत यानी जमा किया है। बहुत से निवेशक हैं जिनका पैसा अभी तक आया नहीं है, बहुत परेशान हैं। तो जिन निवेशकों ने अपना पैसा भुगतान लेने के लिए आवेदन किया था, जो अभी आवेदन चल रहा था, तो आवेदन करते समय बहुत से निवेशक ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और जिसके कारण उनको उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम लोग यही पर बात करेंगे कि जिन निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ है या फिर उन्होंने आवेदन करते समय बहुत सारी गलतियां की है, तो उनको सुधारे कैसे। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को बात करने वाला हूं, क्योंकि थंबनेल में आप लोगों ने जो देख कर आए हैं कि आपने थंबनेल पढ़ चुका है कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, तो सेबी ने आपको दिया है एक मौका। तो जी हाँ दोस्तों, सेबी ने ये बात सच है कि आप लोगों को सेबी ने एक और मौका दिया है, तो जो कि मैं आप लोगों को हमेशा सबसे पहले न्यूज देता हूँ। तो चलिए दोस्त, मैं अपने टॉपिक चलता हूँ। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पहली बार आए हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उन सभी दोस्त हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो आई है बेल आइकन इसको ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी, जिससे आप उस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसी प्रकार के टॉपिक आप लोगों को डेली दूंगा। और जो आप लोगों को पसंद है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ओके दोस्त, तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूँ कि सेबी ने हम लोगों को एक और मौका दिया है कि जिन निवेशकों ने आवेदन करते समय गलतियाँ की है उन सभी गलतियों को एक बार सुधारें। तो सुधारने के लिए उन्होंने अपने पोर्टल पे एक न्यूज दिया है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले सेबी के पोर्टल पर साइट पर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा, आप देख सकते हैं 3 दिसंबर को आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज 4 दिसंबर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर 3 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, ये 3 दिसंबर को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी और बहुत से निवेशकों को इसके बारे में नहीं पता था, क्यों ना मैं आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर जिन दोस्तों को इंग्लिश में पढ़ना है वे लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना या फिर इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, वो लोग हिंदी चाहते हैं कि उनको हिंदी में पढ़ने में, तो आप लोगों को एक वेबसाइट है जिसका नाम है मौर्य लवजोस। जी हाँ दोस्तों, ये मौर्य लवजोस है, आप लोग यहाँ पे आइएगा तो वो जो यहाँ पे है इसका सब कुछ हिंदी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप क्योंकि ये इस वेबसाइट पे आप लोगों को डेली PSL के में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को डेली देखने को मिल जाएगी यहाँ पर इस वेबसाइट पे। तो आप लोग इस वेबसाइट पे आइएगा, डेली चेक कर लीजिएगा कोई कौन सी नई इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ। PSL न्यूज़ टुडे, PSL लिमिटेड के निवेशकों को भुगतान की स्थिति और दावा आवेदनों में देखी गई कमी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो सेबी द्वारा जो देखी गई कमियां हैं उन उस द्वारा पोस्ट है। तो चलिए देखता हूँ वहाँ पर जो हम लोगों को जो कमी देखी गई है उसमें इन्होंने क्या बताया है, सेबी ने उसको हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी। देखिए दोस्त, PSL लिमिटेड के निवेशकों को भुगतान की स्थिति और दावा आवेदनों में देखी गई कमियाँ। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समेत PSL लिमिटेड के मामले में उन निवेशकों के लिए धन वापसी की प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने PSL लिमिटेड में अपने धन का निवेश किया है, जिसके पास दावा राशि 500 तक की अवधि के दौरान 2 जनवरी है 2018 से 31 मार्च 2018 पहली वापसी प्रक्रिया उसी के तत्पश्चात समिति ने 8 फरवरी 2019 से 31 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान PSL के सभी निवेशकों के लिए धन वापसी की प्रक्रिया शुरू की थी। द्वितीय वापसी प्रक्रिया दूसरी रिफंड प्रक्रिया के तहत 2
2,77,544 निवेशक आवेदन रुपए तक की राशि का दावा करते हैं। 5,000 का भुगतान किया गया है। 5,000 तक की दावा राशि वाले कुछ अनुप्रयोग को निम्नलिखित कमियों में से एक या अधिक के कारण संसाधित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये सारी कमियाँ हैं जिन्होंने बताए हुए हैं, तो आप लोग इन कमियों को आकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन समेत जल्दी अधिसूचित होने की तिथि से सभी निवेशकों आवेदकों को 5,000 तक के दावों के साथ उनके दावों पर लागू होने वाली अच्छी कमियों को पूरा करने का अवसर प्रदान करेगी ताकि उनके दावों को सक्षम बनाया जा सके, संसाधित किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये भी हिंदी में बताया गया है कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट उनको दिया गया है तो वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी कमियाँ हुई हैं, तो न जाने कौन सी गलती हुई है। तो आप लोग उन सभी कमियों को दूर करके फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करें, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि सेबी आप लोगों के लिए पोर्टल फिर से चालू करने वाला है कि आप लोग जो आवेदन किया है उन सभी आवेदन को कैसे सुधारें, उसमें कौन कौन सी गलतियां हुई हैं आप लोग चेक करिएगा। और जो ये हो सकता है यहाँ पर देखिए देखिए, लैंड अलॉटेड फील्ड मार्क्ड यस इधर इन द क्लाइम एप्लीकेशन और अथवा पीसी डाटाबेस, यानी कि आप लोगों भी यहाँ बताया गया अमाउंट ऑलरेडी पैड, यानी अगर आपको पैसा दे दिया गया है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों रिफंड प्रोसेस है या फिर कुछ है ऑलरेडी ऐसा कुछ बताया गया है, या फिर यह बताया गया कि डिस मैचिंग आपने स्कैन जो अपलोड करके डाला है वो बराबर मैच नहीं कर रहा है या फिर वो बराबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने आप लोगों को पिछले बहुत सारे वीडियो में यह इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन बहुत से निवेशकों ने इस बात को मानने को तैयार नहीं रहे, तो बहुत से दोस्तों का रिजेक्ट भी हुआ है, बहुत दोस्तों का कम पैसा आया है। तो इसी यही कारण है कि आप लोगों का पैसा कमाया, यानी कि पहला यानी 1 तारीख को जो मैंने वीडियो अपलोड की तो उसमें आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। तो देखिए आज सेबी ने भी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी लेकिन आप लोगों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ एकदम लीगल देता हूँ, एकदम सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले, तो इसलिए इन सभी पर ध्यान दें। ओके दोस्त, तो इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिल गया है और ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आप लोगों का भुगतान जल्दी से जल्द हो जाएगा और वो भी इस प्रक्रिया फाइनल होने के बाद। तो ये प्रक्रिया को जल्दी से आप लोग पूरा करिएगा, इस वेबसाइट के ओपन होने तक इंतजार करिएगा, जैसे ही वेबसाइट ओपन होती मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फिर से दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें, और जिन जिन दोस्तों को कोई भी परेशानी हो रही है या फिर समझ नहीं आ रहा तो वो लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेगा ताकि बहुत से निवेशकों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और यानी इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसका भी फायदा उठा सके। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मॉरेज लैपटेज को और साथ में अभी बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। तो दोस्तों इन दोनों वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेक करके इस वेबसाइट पर सीधा आ सकते हैं। जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना है वो लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिन दोस्तों दोस्तों को हिंदी भी पढ़ना है वो लोग हिंदी पर सीधा वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो ये इस वेबसाइट पर भी आप लोगों को यहाँ पर बेल आइकन मिल जाएगा, आप लोग उसको प्रेस करके रख लीजिएगा क्योंकि इस वेबसाइट पर कोई भी जानकारी अपलोड होगी तो आप लोगों के पास वो भी आ जाएगी। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।